नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे शीतला नदी पर बने पुल में आ रही दरारों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चाओं का बाजार इतना गर्म हुआ कि इसमें तत्काल विकास नगर से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी विकास नगर के साथ संबंधित पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिशासी अभियंता ठेकेदार समेत विभाग के तमाम अधिकारी वहां मौजूद रहे। मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि सोशल मीडिया पर अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर मुद्दे को वायरल किया जा रहा है। आम जन से आग्रह किया है कि ऐसे डिजास्टर समय में हमें इस तरीके की सनसनीखेज फैलाने से बचना चाहिए। मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि बरसात के समय में यदि इस तरीके की कोई खामियाँ कोई सामने आती हैं तो उसके लिए 10 साल के रख रखाव की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की है। उन कमियों को दूर किया जाएगा। वहीं इस पर विकास नगर से कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व विधायक नव प्रभात ने कहा कि 2011 में यह पुल संक्षण किया गया था। नव प्रभात ने कहा कि जिस गति के साथ पुल तैयार हुआ है उसमें संशय की स्थिति बनी हुई है, इसलिए रुड़की के वैज्ञानिकों सहित श्रीराम इंस्टीट्यूट को इसकी जांच करनी चाहिए। नव प्रभात ने कहा कि रुड़की के वैज्ञानिकों को देखना होगा कि जो DPR उन्होंने तैयार की गई थी क्या उसी DPR के आधार पर यह कार्य हुआ है या नहीं। वही नव प्रभात ने कहा कि इसे राजनीतिक परिदृश्य से नहीं देखना चाहिए बल्कि यह कांगा क्षेत्र समेत तमाम जनता के लिए लाइफलाइन का काम करता है, इसको उस परिदृश्य से देखना होगा। यदि इतनी जल्दी इसमें दरारें आई हैं तो शीतला नदी जो कि क्षेत्र की बहुत बड़ी नदी है उससे आने वाले समय में और दिक्कतें आ सकती है, इसलिए समय से इसकी जाँच करवा लेनी चाहिए। वहीं इस संबंध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विकास नगर के द्वारा आज SDM महोदय के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी जांच विभिन्न जांच हेतु ज्ञापन सौंपा गया है। आइए खबर आगे विस्तार से। शीतला नदी के पुल में आई दरारों के मुद्दे को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विकास नगर के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने विकास नगर तहसील पहुंचकर जबरदस्त प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजकर उक्त पुल से जुड़े तमाम मुद्दों पर जिसमें पुल की DPR डिजाइन गुणवत्ता सुरक्षा दीवार अप्रोच रोड सहित तमाम मामले शामिल है कि जांच एवं कार्यवाही की मांग की है। कांग्रेस जनों ने जबरदस्त नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और इस मौके पर कहा कि जिस जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी जनता के हक में आवाज उठाने की है दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से वह व्यक्ति उक्त पुल के ठेकेदार एवं कार्यदायी संस्था के हक में आवाज़ उठा रहा है, जनता पर ही पैनिक फैलाने का आरोप लगा रहा है। कांग्रेस जनों ने कहा कि कांग्रेस जन इस पुल की गुणवत्ता को लेकर जो आवाज़ उठाई है उसको लेकर जनहित में व्यापक संघर्ष जारी रखेंगे। प्रदर्शन में मुख्य रूप से कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष अभिनव ठाकुर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता भास्कर चुंग, जीवन सिंह महाय, विकास शर्मा, आशीष पुंडिर, अभिषेक हन्नीज, राजीव शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नीरज अग्रवाल, मनोज चौहान, धीरज बॉबी, नरेंद्र बिष्ट W सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। यदि मैं ऐसा ना भी कहूं तो इसे ना समझी तो मैं कहूंगा ये। यदि डेलिबरेट अटेम्प्ट है तो बहुत ही बुरा है, लेकिन यदि डेलिबरेट अटेम्प्ट भी नहीं है तो भी मैं ना समझी कहूंगा। और लोगों से आग्रह भी करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा, इस प्रकार का सनसनीखेज कम से कम सरकारी कामकाज के बारे में और डिजास्टर पीरियड में इस तरह के सिविल स्ट्रक्चर्स के बारे में ना फैलाएं। बाकायदा एक RCC स्ट्रक्चर है जिसे आप पुल कह रहे हैं और उसके बाद एक उसकी अप्रोच रोड है जो फीलिंग पर है। बाकी डिटेल्स तो विभागीय इंजीनियर से वो बताएंगे, पर जितनी थोड़ी बहुत चीज़ों का इंजीनियरिंग की मुझे समझ है तो फीलिंग पर जो भी रोड होती है तो बरसात में थोड़ा बहुत कितना ही भी कोशिश कर ले थोड़ा बहुत सेटलमेंट उसकी होने की संभावना बनी रहती है। इसी वजह से ये कोई बहुत पुल का है, 10 साल के लिए मेंटेनेंस क्लॉज है ठेकेदार का, इस पर 10 साल के लिए मेंटेनेंस क्लॉज है और एक थोड़ा सा केवल अप्रोच रोड में यदि कहीं सेटलमेंट हो गया तो सेटलमेंट होता रहेगा, उसको हर बरसात के बाद उसको मेकअप भी करना पड़ेगा। जांच नहीं की, जांच तो विभागीय अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे और SDM का आने का अभी तो हम आए ही है
लेकिन जैसे ही कल इसके बारे में तमाम सारे सोशल मीडिया वगैरह के जरिए जो जबरदस्ती एग्जेजरेट करके चीजें कही गई, जैसे उसकी सूचना कहीं से LIU के माध्यम से SSP को मिली, SSP ने DM को बताया, जिलाधिकारी ने बहुत संवेदनशीलता के साथ उसकी इमीडिएटली कॉल ली और बाकायदा तत्काल इस पे ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए कहा। फिर मुझसे भी चर्चा हुई, ये हुआ था कि सुबह इंस्पेक्शन करेंगे, लेकिन मैंने जिलाधिकारी से कहा नहीं, अभी तुरंत ही आज ही रात को ही उसको दिखवाइए। तो रात को ही SDM विकास नगर, अधिशासी अभियंता NH और उनके सारे अधिकारी और ठेकेदार के प्रतिनिधि भी, जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी थी उनके प्रोजेक्ट मैनेजर भी, सब ने आकर के रात को ही इसका निरीक्षण किया। तो ऐसा तो कोई था नहीं। ये शीतला हमारे यहाँ की एक बड़ी नदी है और इसमें बहुत अधिक पानी भी आता है। ऐसी स्थिति में जब हमने 2011 में इसको सेंक्शन किया था तो हमने रुड़की यूनिवर्सिटी से हाइड्रोलॉजिकल स्टडी करवाई थी। हाइड्रोलॉजिकल स्टडी जो है केवल पुल की ही नहीं, उसकी अप्रोच रोड की भी होती है और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उस नदी में अधिकतम हाईएस्ट फ्लड लेवल क्या होता है। तो पहली चीज़ तो ये आवश्यक है कि रुड़की के जो वैज्ञानिक हैं वो इस चीज़ को आके देखें और चेक करें कि इस पुल के निर्माण में उनकी बनाई हुई DPR का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। दूसरी चीज, पहली बारिश में अगर पुल का ये हाल है तो जब पानी ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, तो इसकी गुणवत्ता की जांच भी जो है वो श्रीराम से करानी चाहिए। श्रीराम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिस पे सुप्रीम कोर्ट भरोसा करता है, सुप्रीम कोर्ट उसी से गुणवत्ता की जांच करवाता है। सर अभी मोटा मोटा ये तो अप्रोच रोड जो कनेक्टिविटी रोड है उसके ऊपर दिक्कत दिखाई देती है। अब इतने तकनीकी तो मैं नहीं हूँ और ना नीचे पुल के जो पिलर्स हैं जो बॉक्स टाइप के डिजाइन से बनाए गए हैं उनका कोई इंस्पेक्शन करने के लिए मैं अधिकृत हूँ, पर जो पुल 5 साल तक रोक के रखा गया वो बना और पहली बारिश में ही हंसने लगा, तो ये जरा सा चिंता का विषय ज़्यादा है। माननीय विधायक जी इसे कोई राजनीतिक द्वेष ना समझें, ये हमारे पूरे यहाँ से लांघा तक की लाइफलाइन है और जब तक ये पुल नहीं अगर प्रयोग में रहेगा तो उधर के लोगों को पूरी बरसात में विकास नगर से घूम के जाना पड़ता है, उनके इस कष्ट को भी वो समझें। और मैंने 2 जगह से जांच की मांग की है कि जो DPR गठित की गई थी उसके अनुरूप पुल बना या नहीं बना ये देखा जाए और पुल के निर्माण की गुणवत्ता कैसी है इसका श्रीराम इंस्टीट्यूट से स्टडी कराएंगे। के पुल पे दरारें पाई गई, सोशल मीडिया पर सबने देखा और उसकी रात भर में लीपापोती कर दी गई, उस पर पेंटिंग नहीं कर दी गई, जो व्हाइट लाइन है वो छुप गई, जो दरारें उनको छुपाने का प्रयास किया गया, ये उचित नहीं है। इस पुल निर्माण में 1.5 साल का वक्त लगना था, यह पुल निर्माण 7-8 महीने में करके दे दिया गया, 1 महीने के अंदर इसमें दरारें आ जाती हैं अप्रोच रोड में पुल में, ये क्या है? ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार साफ साफ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने जिसको अपने हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी है वो जनता के हितों की रक्षा करने के बजाय ठेकेदार की और कार्यदायी संस्था की हितों की रक्षा करने की बात कर रहे हैं व्यक्ति, और वो व्यक्ति जनता पर आरोप लगा रहे हैं कि आप पैनिक फैला रहे हैं। जनता को अगर सड़क में दरार दिखेगी, जनता को अगर पुल में दरार दिखेगी, पुल बैठा हुआ दिखेगा, जनता को क्या आवाज उठाने का हक नहीं है? क्या जनता से आपने आवाज उठाने का हक छीन लिया है? इन चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। आज हमने मुख्यमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन उप जिलाधिकारी कार्यालय विकास नगर के माध्यम से प्रेषित किया है और इस पुल निर्माण में गुणवत्ता से लेके डिजाइन से लेके DPR से लेके जो साइड वॉल जो बनानी थी सेफ्टी के लिए हर चीज हर मुद्दे को उठाते हुए आज हमने उनसे जांच की मांग की है। यदि वो जांच करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, जांच का स्वागत किया जाएगा। यदि वो जांच नहीं करते तो कांग्रेस का कार्यकर्ता इस लड़ाई को हर स्तर पर लड़ने को तैयार है। हम किसी से डरने वाले नहीं है, इस लड़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से लड़ा जाएगा। तो ये आपने देखी पुल निर्माण के संबंध में जिस तरीके से यह पुल निर्माण तीव्र गति के साथ तैयार किया गया है वो चर्चा में बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या इसमें पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ काम हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अभी नदी का जलस्तर उतना नहीं है और इससे पूर्व अगर पुल में किसी तरह की खामियां दिख रही है तो यह चिंता का विषय बना हुआ है कि कहीं पुल यदि पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता पूर्वक नहीं बनाया गया है तो आगे आम जनता को इसका
खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आज के लिए बने रहेगा DCP न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।